तो फाइनली नारुतो सीजन 2 के एपिसोड 29 और एपिसोड 30 के अंदर हमें ओरोचिमारू और इताची की हिंदी वॉइसेस रिवील कर दी गई है। एंड यकीन मानो उन दोनों की वॉइस बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। एंड इस वीडियो में हम उनकी आवाजों को लेकर सारी बातें डिस्कस करेंगे और साथ ही कौन से आर्टिस्ट ने उनको डब किया है इनके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो फिर ये वीडियो होने वाली बात इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ना समझ छोटे भाई, तुम मुझे नहीं मिटा सकते, तुम में उतनी ताकत नहीं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत कीमती है, आग जाओ यहाँ से और जियो, इस शर्म के साथ जियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इताची उचिहा के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। तो देखिए जो इताची की हिंदी वॉइस है वो मैं आप लोग को पहले ही एक वीडियो में रिवील कर चुका था। हालांकि इस वीडियो में मैंने ऐसा कहा था कि इसमें 6 आर्टिस्ट रहेंगे एंड उस 6 में से एक आर्टिस्ट की पर्दा को सुनाई जाएगी टेलीविजन पर, एंड ये वैसा ही हुआ। उस वीडियो के अंदर जो फरहान पटेल थे उन्होंने एपिसोड 29 के अंदर इताची को हिंदी में डब किया था। जी हाँ, एपिसोड 29 के अंदर फरहान पटेल ने इताची को डब किया है एंड उनकी वॉइस एपिसोड 29 के अंदर काफ़ी सही लग रही है। अब देखना ये होगा कि आगे के एपिसोड में कैसी लगती है। तो एपिसोड 18 में जब इताची का कैरेक्टर सचमुच में हमें रिवील किया जाएगा तब उसकी वॉइस कैसी होती है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि मैं आप लोग को ये कन्फर्म तो नहीं बता सकता कि एपिसोड 18 में डब कौन कर रहा है। मेरा नाम है ओरोचिमारू, पर मुझे जो चाहिए वो मैं तुम्हें हमारी अगली मुलाकात में बताऊंगा। अब बात करते हैं नारुतो सीरीज के विलन ओरोचिमारू की। तो ओरोचिमारू की वॉइस एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। ये वॉइस हमने जितना सोचा था उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा वॉइस हम लोग को देखने को मिला है। तो जो ओरोचिमारू की वॉइस आर्टिस्ट है वो है विशाल मेनन। आप लोगों ने इन्हें हाल ही में फ्रीजा के कैरेक्टर पर सुना था ड्रैगन बॉल सुपर के फाइनल आर्क में, एंड फ्रीजा की वॉइस भी आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और ठीक उसी तरह ओरोचिमारू को भी फिलहाल बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है एंड विशाल मेनन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है एपिसोड 30 के अंदर। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि बाकी के एपिसोड में कैसे इस कैरेक्टर को डब करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह डबिंग और अच्छी होती जाएगी और स्टोरी भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगेगी। तो दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों कैरेक्टर्स की वॉइस कैसी लगी है। आप दोनों कैरेक्टर्स को लेकर अलग अलग ओपिनियन दे सकते हो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर सकते हो। और जो भी चैनल पर न्यू है वो नारुतो सीरीज़ के आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।